पहाड़ों की रानी मसूरी जाके चकराता देख लो। चकराता भी जा रखे? हाँ आप बताओ भैया, ये गाने बड़े चलते ना इन जगहों पे? चकराता ही गाना है ये। अच्छा, अरे हम तो बिग फैन है यार, हम तो ऐसे गाने सुनते हैं, बॉलीवुड के नहीं भाते हमें। कहाँ से यार, ऊपर से आ रहे हो? कैफे ऊपर। अच्छा कैफे आपका ऊपर थोड़ा? अच्छा आप भी होकर आए हो, मजा आ गया? हाँ अच्छी, मतलब जगह अच्छी है, दिल लग जाएगा, मतलब जाके अभी तो गर्म सुकून होगा ना। हाँ 15-20 मिनट बैठना, अच्छा ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी। अच्छा फिर सुकून मिलेगा। आप कहाँ से आए भैया? हम दिल्ली से। हम भी दिल्ली। दिल्ली में कहाँ से? मामा इसी के बारे में बोल रहा था वो बंदा कि पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो भाई सर हमें कैमरा रखना पड़ेगा, कहीं पता लगे खुद को संभालने के चक्कर में कैमरा गिर गया। अरे बंदे दिख रहे, बंदे ऊपर से नीचे से, ऊपर से जोर जावरेस्ट के लिए नीचे ऊपर ऊपर ना, ठीक है थैंक यू। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। तो निकल गए, अब यहाँ से स्टार्ट है कच्चा रास्ता, अभी तक पक्का चल रहा था बिल्कुल, अब असली ट्रैकिंग थोड़ी स्टार्ट हो गई है। कहाँ बिल्कुल आराम से पैर दबा दबा के, दबा दबा के। और यहाँ हम टूट गए। अब डंडा नीचे छोड़ रहा है, नीचे छोड़ा है, उठा ले डंडे डंडे। मामा बैठ दो, अभी तो 2 मिनट ऊपर आया, बस 100 मीटर हुआ है बस, अभी 300 और। लो भाई ये छाप छोड़ के जो जाते हो ना अपनी, ये काम मत किया करो यहाँ पे बिल्कुल भी, बुरा लगता है यार, ये भी नेचर है, घूमने भी यहीं आ रहे हो, गंद भी यहीं मचा रहे हो, एंजॉय करना है करो, बाकी ले जाओ अपने साथ। ये देखना भाइयों मत करा करो ये चीज, बुरा लगता है यार दिल से। ओ मामा गलत है वाक्य में, इसी नेचर का तो स्वाद चख रहे हो, शहरों से इतनी दूर आते हो ना इस नेचर को एंजॉय करने, उसी की तुम ऐसी ऐसी मार रहे हो क्या यार। भैया खड़ा क्यों हो गया तू? अच्छा ठीक है, पथरीले रास्ते, अनजान लोग और ये सुंदर वादियां। A few moments later. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए तो। जी व्यू देखिए आप यहां से, व्यू देखिए बिल्कुल सामने सारी स्नो पीक माउंटेन है, बिल्कुल मेरी उंगली को सामने, मैं जूम करता हूँ देखिए आप एक बार, थोड़ी बहुत बिल्कुल बिल्कुल धुंधली धुंधली देखो यहाँ नजर आ रही होगी आपको, देखिए एक मिनट दिख रहा है बिल्कुल धुंधली। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल, कितना दिखा रहा है मांशु? 130 मीटर है बस, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होगा फिर तो वर्थ इट है भाई, ऊपर जाके और पता लगेगा कि वाक्य में कैसी चीज है। किसने बनाया दस्तूर ऐसा जीना सिखाया। ये खूबसूरती तो है जो हम लोगों को बार बार इस तरह बुला लेती है, लोग ना ऊपर काफी ऊपर मेरे को नजर आ रहे हैं यहीं से, थोड़ा सा और रह गया है 130 मीटर के आसपास मैप में हमने देखा। और वाक्य में ना जब भी आप मसूरी आओ तो जॉर्ज एवरेस्ट जरूर आना, क्लाउड एंड आपने नाम सुना होगा, क्लाउड एंड के बिल्कुल पहले ही पड़ता है ये, क्लाउड एंड से पहले कट जा रहा है, बस जॉर्ज एवरेस्ट की चढ़ाई स्टार्ट कर दो, थकान होगी शरीर टूटेगा
पसीने आएंगे, और जब पसीने आएंगे तब मज़ा अलग आएगा, क्योंकि जब हवा चलेगी ना ऊपर तो पसीना बिल्कुल चिल्ड हो जाता है शरीर बिल्कुल। भाई ऊपर जो लोग नीचे उतर रहे ना उनसे पूछते हुए चल रहा हूँ, तो वो लोग तो यही बोल रहे हैं कि वर्थ इट है ऊपर आने, जो चल रहे हो मेहनत कर रहे हो वर्थ होगा एकदम। अब ये तो भाई वो कितनी उनकी बातों में सच्चाई है ये चीज़ तो मैं ऊपर जाके ही आपको बता पाऊंगा। तो हिमांशु और जो हमारे अमन मामा आए हुए वो उधर बैठे हुए हैं, फैमिली को वीडियो कॉल्स वगैरह कर रहे हैं। तो मैं तो सोचता हूँ कैप्चर करूँगा सबको, फिर आप भी तो हमारी फैमिली हो ना, वो अपनी फैमिली को कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। यूट्यूब फैमिली है मेरी, अभी छोटी ज़रूर है आगे चल के बड़ी होगी, मेहनत मैं पूरी करूँगा, कंटेंट आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा देने की कोशिश करूँगा, जितना मुझसे हो पाएगा अपना बेस्ट मैं दूंगा आपको, ठीक है। अगर आपको मेरी बस यही ख्वाहिश रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है, धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा सीखूँगा, और बहुत कुछ बिल्कुल भी अगर भाता है बिल्कुल भी अगर पसंद आता है मेरे ब्लॉग्स, तो प्लीज़ इसको शेयर, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे चल के आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट ला पाऊँ, आप लोगों को अच्छी अच्छी जगह दिखा पाऊँ, अच्छी अच्छी जगह आपको ले जा पाऊँ, ये फैमिली थोड़ी और आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते इस फैमिली को एक अच्छी ऊँचाइयों पर पहुँचाएंगे। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार बस मेरे साथ बना रहे, बस मुझे यही चाहिए। चलिए निकलते हैं, अब चलते हैं ऊपर, आराम से ऊपर जाके बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे, आपको व्यू दिखाएंगे, तो अब चलते हैं। चलिए भाई सब बढ़ती जा रही है, व्यू देखो मजा आ रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी जाके चक्राता देख लो, चक्राता भी जा रखे। हाँ आप बताओ भैया, ये गाने बड़े चलते ना इन जगहों पे, चक्राता ये गाना है ये। अच्छा, अरे हम तो बिग फैन है यार, हम तो ऐसे गाने सुनते हैं, बॉलीवुड की नहीं बातें हमें। कहाँ से यार, ऊपर से आ रहे हो? कैफे ऊपर। अच्छा कैफे आपका ऊपर, अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ओके। इसी रूट पे आपका कैफे, अच्छा तो कौन आपके जानकार बैठे हैं वहाँ अभी? ठीक है भैया, नाम क्या आपका? ठीक है, हम बोलेंगे ना उनको। हाँ ठीक है भैया, साहब बुरी हालत हो गई। ये देखो कुछ भी नहीं ऊपर, ऊपर है मामा, कहाँ नीचे है यार, हैं? गूगल करो। अरे रास्ता भैया, अरे बंदे दिख रहे, बंदे ऊपर से नीचे से ऊपर से जोर जैवरेस्ट के लिए नीचे ऊपर ऊपर ना, ठीक है थैंक यू यार, हील ही ऊपर है, ऊपर है तो ऊपर ही होगा, नीचे तो नीचे चले जाएंगे ना। दिखाता हूँ आपको एक मिनट, प्रेम भाई थोड़ा और ऊपर, थोड़ा और ऊपर, कितना ऊपर ले आया बे, ये रहा सामने जोर जबरदस्त, ये थोड़ा सा ये सामने यही तो है ना भैया, दिख रहा है ये नहीं है, इससे भी ऊपर। अरे थोड़ा, अच्छा आप भी होकर आयो, मजा आ गया? हाँ अच्छी, मतलब अच्छे जगह अच्छी है, दिल लग जाएगा, मतलब जाके अभी तो गर्म सुकून होगा ना। हाँ 15-20 मिनट बैठना, अच्छा ठंडी ठंडी हवा भी लगेगी, अच्छा फिर सुकून मिलेगा। आप कहाँ से आए भैया? हम दिल्ली से। हम भी दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से? पब्लिक की गर्मी, पब्लिक की गर्मी।
अच्छा अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। उधर से आते ना, कैफे बना हुआ दिख रहा था वो? हाँ वो बताया भैया ने, अभी जाते हैं वहीं पे। हाँ, जाते हुए उधर से निकल जाना। दूसरा रास्ता भी है क्या उधर से? हाँ, हम आए उधर से थे, निकल। ये शॉर्टकट है। अच्छा, ये शॉर्टकट इसलिए, ये खड़ी चढ़ाई है। अच्छा, इसलिए आपकी दिक्कत हो रही है। वो मतलब ज्यादा वो नहीं है, बस थोड़ी सी सीढ़ी आएंगी, उसके बाद बिल्कुल प्यार वाला रास्ता है वो। अच्छा, वो ही वाला है वो जो हम दूसरा रास्ता देख रहे थे। अच्छा, मैं शॉर्टकट पकड़ के आ गए। इधर से भैया, इधर से सीधा निकलना भैया? नहीं, यही नहीं जाना, सीधा सीधा। तो ये है बस, ये है कि ये पहाड़ी पार करना, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बस अच्छा। यहाँ से दिख रहे जो झंडे है ना, हाँ हाँ, पार करते ही आ जाए। चलो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच। ओके, नाम क्या है भैया आपका? प्रिंस। ओके भैया, मामा इसी के बारे में बोल रहा था वो बंदा कि पकड़ पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो भाई साहब, अब मेरे को कैमरा रखना पड़ेगा, कहीं पता लगे खुद को संभालने के चक्कर में कैमरा गिर गया। आओ, हो चलो जवानों। ये लोग उतर के आ रहे हैं ना यहाँ से, यहाँ से पता नहीं लगता है यहाँ से रास्ता रहा है। एवं से पूछ लेता हूँ कि रास्ता इधर से ही है ना, फिलहाल थोड़ा बैठ लेता हूँ और फिर चलता हूँ ऊपर। देख लो भैया कैसा था, पांच पड़े हैं भाई बैठ के, बहुत ऊंचाई पर है। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, वो अपने मुझको भी रोज बुलाता है। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया इस भीड़ भाड़। ओह माय गॉड, हाँ हाँ, नहीं चढ़। आराम से, मामा पकड़ना। आजा आजा, कैमरा को पकड़ना। कैमरा मेरा ना, मैं चढ़ जाऊंगा। मामा इस जगह अभी और आ गया और इधर है, इधर है, इधर है। पूछ लेते हैं वहां से। वीडियो में जैसा था वैसा तो नहीं है, ऊंचाई भी तो आ गए हैं, पता कर लेता हूँ फिर भी एक बार।